नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब विधानसभा का मॉनसून सत्र 2 सितंबर को, आपको बताते चलें कि शुरू हो गया है और 4 सितंबर को समाप्त होगा। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया आधिकारिक तौर पर सत्र बुलाते हैं। इस दौरान 4 सितंबर को सत्र की समाप्ति भी कर दी जाएगी। पंजाब के राज्यपाल सत्र बुलाएंगे, जिसको लेकर यह पूरी जानकारी दी गई है। आपको बताते चले कि मॉनसून सत्र 2 सितंबर से शुरू होगा और 4 सितंबर को सत्र की समाप्ति भी की जाएगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान से आपको बताते चले कि सन फार्मा लाइफ के सीईओ दामोदरन सतगोपन ने मुलाकात की है। इस दौरान सीएम ने कहा कि सन फार्मा लाइफ पहले से ही पंजाब में काम कर रहा है। उन्होंने पंजाब में विस्तार के बारे में बात की, जिसमें हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। शिरोमणि अकाली दल के सांसद हरसिमरत कौर बादल सचखंड दरबार साहिब में माथा टेकने पहुंची हैं और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हम आज सच्चे पातशाह के चरणों में नतमस्तक हुए हैं, जिनका धन्यवाद दिया। गुरु साहिब के ओट आसरा लेदे आ में भविष्य के लिए और अतीत के लिए भी गलतियों का आशीर्वाद दिया गया है। साथ ही कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर उन्होंने कहा कि मैंने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूं कि यह आपातकाल में सबसे बड़ा योगदान है। यदि कोई पार्टी है तो ये शिरोमणि अकाली दल की तरफ से दी गई थी, जहां पर बादल साहब ने सबसे पहले मोर्चा संभाला, प्रार्थना की, अकाल तख्त साहिब से जत्था लिया और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। शुक्राना भी किया, फुला टेला दी माफी भी मंगी, हर महीने इतने हाजिर होके गुरु साहब दे वोट आसरा लैने अगे दे समय वास्ते ते पिछले समय वास्ते भुला बख्शवाने। एक फिल्म आई है एमरजेंसी कंगना रनौत की, नहीं मैं फिल्म तो देखी नहीं है, लेकिन ये जरूर कह सकती हाँ कि एमरजेंसी च सब तो वड्डा योगदान जे किसी पार्टी ने दिता वो श्रोमणी अकाली दल ने दिता, जिथे बादल साहब ने सब तो पहला मोर्चा लैके अरदास करके अकाल तख्त साहब तो।
भारत बंद की कॉल को लेकर पठानकोट चौक में बीएसपी ने धरना दिया है। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को चारों तरफ से बंद कर दिया। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी चौक में भारी पुलिस तैनात की गई है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना के बाद पूरे देश में विरोध देखने को मिल रहा है। पंजाब के अलग अलग जगहों के अस्पतालों में डॉक्टर ने हड़ताल भी कर दी है। पंजाब सरकार जो है वो लगातार सुरक्षा गार्डों की संख्या भी बढ़ा रही है। सरकारी अस्पतालों में महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए अमृतसर हल्का सेंट्रल से विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता, अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर और अमृतसर के पुलिस कमिश्नर ने अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल का दौरा किया है, डॉक्टर्स के साथ बैठक की, उसमें हड़ताल खत्म करने को भी कहा गया है। मैं अज इत्थे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन दे नाल डीसी साहब, सीपी साहब, बाकी भी एसडीएम साहब, प्रिंसीपल मेडिकल कॉलेज, एमएस मेडिकल कॉलेज और उहदे नाल नाल मैं कहना चाहना कि माननीय मुख्यमंत्री साहब ने मेरी ये ड्यूटी लगाई सी कि मैं इत्थे आके जूनियर डॉक्टर्स की जिन्नियां भी शर्तां उन्हां नूं सुना, उन्हां दी गलबात सुना, सुनन तो बाद उन्हां दीआं जो भी मुश्किलां ने इमीजिएटली मौके ते हल करां, जिहड़ियां असीं कुछ कर भी दित्तियां, जिहड़ियां एक दो रह गईयां वो इमीजिएटली विद इन 24 आवर्स असीं पूरियां कर देंगे। और मैं आश्वासन दवाया कि किसी किस्म का भी जिहड़ा इत्थे मिसहैप नहीं होगा। सो मैनूं जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि वो जल्दी मीटिंग करनगे। लुधियाना से बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर लुधियाना से, जहां पर पुलिस ने गैंगस्टर सागर न्यूटन को गिरफ्तार किया है। काउंटर इंटेलिजेंस और सीआईए की टीम ने दबोचा है। सागर न्यूटन से पुलिस को भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। सागर के खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। बड़ी खबर है, आपको बताते चले कि सागर न्यूटन से पुलिस को भारी मात्रा में, आपको बताते चले कि लुधियाना से बड़ी खबर है जहां पर पुलिस ने गैंगस्टर सागर न्यूटन को गिरफ्तार किया और साथ ही सीआई की टीम ने उन्हें दबोचा है। हथियार भी भारी मात्रा में बरामद किए गए हैं। कई आपराधिक मामले भी पहले से भी दर्ज हैं। दरअसल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है जहां पर पुलिस ने गैंगस्टर सागर न्यूटन को गिरफ्तार किया है। खबर लुधियाना से है जहां पर काउंटर इंटेलिजेंस को बड़ी सफलता भी मिली है। हथियार भी भारी मात्रा में बरामद किए गए हैं और साथ ही आपको बताते चले कि पहले से भी कई मामले दर्ज। मामला पटियाला के मशहूर अनारदाना चौक का है जहां पर एक शख्स ने बदमाशों को पकड़ लिया है। बदमाश चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते थे और फरार हो जाते थे। सीसीटीवी की मदद से बदमाशों को अनारदाना चौक से इन लोगों को पकड़ा गया है और जिसके बाद लोगों ने इनकी पिटाई भी कर दी है। मेरी माता कल सवेरे मंदिरों आ रहे थे ते इस बंदे ने स्नैचिंग मतलब हाथ पाया इन्होंने मेरी माता के गल से, वो चैन टुट के मेरी माता के हाथ च रह गई। अभी वीडियो कराई फिर इन्होंने अच्छ फड़े इन्हें अच्छे फिर हम भी भरी है मेरे को बाइक की फोटो है मदर मदर बुजुर्ग है नहीं पैदल सी जी पैदल सी अपना तोखाना मोड़ के उपर ही शॉप के सिरे अट की गल है हाँ मुंडा मन गया हूं ही मिले मैं तू किता कहना भाजी गलती हो गई मेरे तो मैं फिर वो आप थप्पड़ लाया मैं इदा नहीं सानू भी गुस्सा ही मुक्तसर साहिब में झमाझम बारिश हुई है जिससे लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है लेकिन ट्रैफिक की भी काफी दिक्कत हुई है। दरअसल आपको बताते चले कि मुक्तसर साहिब की महिला ट्रैफिक पुलिस ने भी, आपको बताते चले कि कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी निभाई और बिना जूते और नंगे पैर ट्रैफिक की समस्या को दूर करती नजर आई है। हर कोई महिला कर्मचारी की तारीफ करता नजर आया क्योंकि महिला कर्मचारी बारिश होने के बावजूद भी अपनी ड्यूटी पूरी लगन से कर रही है और महिला कर्मचारियों ने कहा कि ड्यूटी करना हमारा कर्तव्य है क्योंकि इस शहर में ट्रैफिक की समस्या काफी ज्यादा है। मैं मुक्तसर ट्रैफिक तैनात हाँ। अज बरसात हुई है तो जिस करके शहर में पानी बहुत ज्यादा भर गया जिस करके ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा आती है। बस मेरा तो यही है भी असी अपनी ड्यूटी
सारी ही पंजाब पुलिस अपनी ड्यूटी तनदेही नाल निभाउंदी है। असीं भी अपने शूज उतार के ट्रैफिक दी ड्यूटी कर रहे हैं। बरसात है, पानी है बहुत ज़्यादा शहर दे विच, ते मैं सब नूं यही सुनेहा देना चाहुंदी हाँ। अमृतसर में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। अमृतसर की आपको बताते चलें कि हेरिटेज स्ट्रीट पूरी तरह से बारिश के पानी में डूब गई है। करोड़ों की लागत से बनी अमृतसर की हार्ट हेरिटेज स्ट्रीट में जल निकासी का बुरा हाल है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता पवन कुमार ने बताया कि आज की बारिश ने अमृतसर प्रशासन के खराब प्रबंधन की पोल खोल के रख दी है। बाहर से आने वाली संगतें, कई राजनीतिक हस्तियां और महान हस्तियां इसी रास्ते से हरमंदिर साहिब के दर्शन के लिए पहुंच रही हैं। इतना ही नहीं, शहीदों की यादगार जलियांवाला बाग के दर्शन के लिए भी गौर करने वाली बात यह है कि अमृतसर से भी श्रद्धालु इसी रास्ते से गुजरते हैं और गुरु नगरी में हरमंदिर साहिब भी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि हेरिटेज स्ट्रीट सचखंड हरमंदिर साहिब जाने का मुख्य मार्ग है और अब प्रशासन इस पर कब ध्यान देगा, क्योंकि आपको बताते चले कि विदेश से भी आए लोग प्रशासन की लापरवाही पर ध्यान देंगे। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लबालब पानी भरा हुआ है, जिससे आने जाने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं मूसलाधार बारिश ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। दरअसल भारी बारिश के कारण हेरिटेज स्ट्रीट डूबी हुई नजर आई, जिस दौरान काफी ज्यादा विदेश से लोग यहां पर पहुंचते हैं और भारी बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਲ ਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, 15 ਅਗਸਤ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਮਨਾਉਣਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ गांव नबीपुर में एक विवाहिता गगनदीप कौर की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है, जहां पर मंगलदास देवासी ने पुलिस को शिकायत भी दी और उसकी बेटी गगनदीप कौर की शादी गांव के नबीपुर निवासी रमनदीप सिंह से हुई थी, जिसमें कुछ ही देर बाद में बाथरूम से उंगलियों की आवाजें आने लगी, जिस पर उसकी सास और परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे। गगनदीप कौर को बाहर निकाला गया, अस्पताल लेकर आया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही गगनदीप कौर की मौत हो चुकी थी। साथ ही फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। विवाहिता की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है, मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो नबीपुर का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मैं मंगलदास वासी पिंड कम्मा, मेरी बेटी गगनदीप कौर नबीपुर व्याई हुई सी, जवाई का नाम रमनदीप, वो अज 11:30 बजे डैथ हो गई है। मैनु डाउट आ, मेरा डाउट क्लीयर किया जाए, पोस्टमार्टम करके इंसाफ दवाया जाए। थोड़ी बेटी की मैरिज नूं कितनी देर हुई है? 1.5 साल हो जाए। अच्छा, मैरिज बड़ी धूमधाम नाल करी है जी। किवें हुई है मौत? मौत पता ही नहीं है, अटैक दस रहे हैं। ये कह रहे अटैक होया जी, कहते बाथरूम गई है नहाने, उत्थे गिर गई है, तो अटैक होया। पर सानू शक है, पोस्टमार्टम करके तो मैनू इंसाफ दवाया जाए।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜਕੀ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵਾਈਫ ਆਫ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਨਬੀਪੁਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੰਗਲਦਾਸ ਖੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਆਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ 176 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਜੈਸੀ ਸੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। लुधियाना के शांति मोहल्ला में दो पक्षों में रंजिश के चलते टकराव हो गया है, जिसमें दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिसके बाद इलाके के लोगों की सहायता से दोनों पक्षों के घायल लोगों को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है। सिविल अस्पताल में भी इसी तरह का हंगामा देखने को मिला है। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों पक्ष आपस में शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे, लेकिन किसी कारण दोनों के बीच में कहासुनी हुई और उसके बाद में हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर तस्वीरें लुधियाना की बताई जा रही, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है और दो पक्षों में रंजिश के चलते टकराव की स्थिति हो गई। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर दो पक्षों में रंजिश के चलते जो है वो लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों पक्ष के लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज भी लगातार जारी है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आपसी रंजिश को लेकर ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पूरे देश में धूमधाम के साथ में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। खुशी के अवसर पर सभी ने एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई हैं। फरीदकोट में राखी के मौके पर परिवार के सदस्यों ने भी मिठाई खाई और साथ ही परिजनों का भी कहना है कि मिठाई खाने के बाद बच्चों समेत सभी सदस्यों की तबियत भी बिगड़ने लगी, जिसके बाद सभी सदस्यों को सिविल अस्पताल लाया गया है, जहां पर उन्हें मेडिकल अस्पताल भी रेफर कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि मिलावट मिठाइयों में होने की वजह से कई लोगों की तबीयत जो है वो अचानक से बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज भी लगातार जारी है। दरअसल रक्षाबंधन का त्यौहार था, जिसको लेकर लोगों ने खरीदारी भी की, मिठाई खरीदी, जिसमें मिलावट होने के बाद में एक ही परिवार के लोग बीमार हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खाया से रसगुल्ले खाया सी, कल दोपहर ले आया से 2 बजे बीकानेर वाला, तो ठीक है ना जी। फिर अचानक खाधे ने बस सारे ने उल्टियां टटियां लग गई, तो नाले पेट दर्द करने लग गया। सर कितने मेंबर है जनरल कॉलोनी? साढ़े तक एक मेंबर तो 6 जने आ जी। 6 मेंबर इको फैमिली दे? हां इको फैमिली दे जी। कौन लेके कौन है इसमें? ऐसे सारे जने आए फैमिली वाले जी। अभी सही कौन लेके आया? मिठाई लेके आया मेरा भाई ले आया है। केड़ी दुकान पर है? बीकानेर वाला, तो ठीक है। ये टांगा साइड को लो जी। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੜੀ ਬਣਾਈ ਗਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਰਸਗੁੱਲੇ ਖਾ ਲਏ। ਉਹ ਰਸਗੁੱਲੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦਦਮ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਲਟੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਜਦਦਮ ਹੀ, ਧੋਣ ਫਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਥੱਲੇ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ? ਸਾਡੇ 6 ਮੈਂਬਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖਾਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। खबर बाबा बकाला से है, जहां पर सीएम भगवंत मान का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले पंजाबियों को मुफ्त में बिजली की गारंटी हमने सत्ता में आते ही पूरी कर दी है। अब 90% घरों में 0 बिजली का बिल आ रहा है और हमने लोगों को भी सुविधा दी है, लेकिन बिजली बोर्ड ने नहीं दिया है। अगर कोई नुकसान हुआ तो गिरने दो।
अरविंद केजरीवाल जी नाल हुंदे सी, गारंटी दित्ती सी बिजली फ्री कर देंगे। विरोधी पार्टियां की कहंदियां सी लै एवें मर जांदे आ, पैसे कित्थों आउणगे। आउण सार मार्च दे विच आपां सौं चुकी, 1 जुलाई तो फैसला कर लिया कि 1 जुलाई तो बाद बिजली फ्री, 600 यूनिट टोटल फ्री, 2 महीने का बिल आउंदा है। अज 90% घरों बिजली का बिल जीरो आ रहा है, थोड़े भी बहुत सारे घर बिजली का बिल जीरो आ रहा होना, पैसे भी है, बिजली बोर्ड में भी घाटा नहीं पैन दिता तो लोगों भी बिल नहीं आया। पंजाब के मानसा जिले में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस ने आरोपी को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपी के पास से पिस्टल भी बरामद की गई है। मानसा के एसएसपी भागीरथ सिंह मीणा ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई है और इस पूरे मामले में एक दोषी को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि घटना की जाँच लगातार की जा रही है। जिसने की थी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, पिस्टल और बाइक भी बरामद किया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में भी पुलिस जुटी हुई है। गोली मारकर मौत के घाट उतारा था, जिसकी ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे जो कि मानसा से हैं, जहां पर गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया, जिसके बाद ये मामला लगातार तूल भी पकड़ता जा रहा है। खबर पटियाला से है, जहां पर डीएसपी रेलवे जगमोहन सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 15 अगस्त के तहत पटियाला रेलवे पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, जिसके तहत उन्हें सूचना भी मिली थी कि राजपुरा रेलवे स्टेशन के ऊपर डोलावारिस बैग भी पड़े हैं। जब उसकी जांच की गई तो उसमें 10 देसी पिस्टल और मैगजीन भी बरामद की गई है। बैग के अंदर मिले कागजात के आधार पर एक व्यक्ति को होशियारपुर से गिरफ्तार किया गया है। वहीं डीएसपी जगमोहन सिंह ने यह भी कहा कि पूरे मामले की जांच लगातार की जा रही है। मानयोग स्पेशल डीजीपी रेलवे मैडम शशि प्रभा द्विवेदी जी के हुक्मानुसार साडी जीआरपी इंडिपेंडेंस डे से जिहड़े अपने फैसटिवल सीजन आ रहे हैं उसके मद्देनज़र स्पैशल चैकिंग अभियान जीआरपी वालों चलाया जा रहा है, जिस दे विच असीं ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स, रेलवे प्लेटफॉर्म से ट्रेन के चैकिंग की सुरक्षा, पसेंजर की सुरक्षा लिए असीं वचनबद्ध हाँ। जिस दे चलदिआं सानूं 17 तरीक नूं 17 अठ नूं दो लवारस बैग रायपुर स्टेशन कोल मिले, जिस दे विच 10 पिस्टल देसी पिस्टल और 10 मैगजीन, उन्होंने मैगजीन सके तो कुछ डॉक्यूमेंट सके, जिन्हों के आधार से फिर बाद इंस्पैक्टर जी आर पी पटियाला अंकुरदीप सिंह जी इन्होंने स्पैशल अपना राजपुर में। इतना ही, नमस्कार।